ये जो स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, ये हम माने या ना माने उनके लिए एक पहचान बन गई है कि एजिटेशन, उन्होंने हमेशा जो पॉस्चरिंग करनी होती है वो एग्रेसिव ही करनी होती है, नो मैटर द सिचुएशन। आपको नहीं लगता ये नुकसानदेह है और पार्टी को सोचना चाहिए कि एंगेजमेंट की तरफ ही जाना है अगर इन दी एंड, तो अभी से उसके लिए कोई राह हमवार करें? अब अगर कोई 15 डेज रह गए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में, अगर थोड़े दिन वेट कर लेते तो ये सारा शो वेट कर सकता था, इन माई ओपिनियन। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर है आपकी ओपिनियन गलत है। उसकी वजह यह है कि एक तो देखिए, जो जेनेसिस है इस सारे मामले का, वो तो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, जिनको 9 फरवरी को नतायज तब्दील किए गए और 28 नशिस्तें लेने वाला शख्स सदर बन गया और 18 नशिस्तें लेने वाला शख्स वज़ीर आज़म बन गया, और जिस पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिली थी उसका लीडर जो है वो जेल में है। और उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर आईन, कानून, इखलाकियात, किसी की भी कोई हैसियत नहीं है। और जो हुकूमत में लोग हैं वो कहते हैं हम तो गोली और लाठी से सरकार चलाएंगे, अगर आप लोग छीन सकते हैं तो छीन लें। तो जो जेनेसिस है एहतजाज का, जो बुनियाद है एहतजाज की, वो तो ये है। जहाँ तक कि आपने कहा कि ये अभी का जो एहतजाज है, ये तो देखे ना, ये माशाल्लाह हुकूमतों ने भी नहीं किया जो कि ये हुकूमत करने जा रही है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही को बदल दें और उसकी बुनियादी हिला दें जुडिशरी को ख़त्म करके। जो इस वक्त मामला चल रहा है वो तो ये है कि उसके बाद तो मेरे और आपके राइट्स ख़त्म ही हो गए, हमारा रियासत से तो रिश्ते ही टूट गया अगर ये आईनी तरमीम इस तरह से ले जाए। और अगर आप ये समझती हैं कि हकूमत जो है वो ये आईनी तरमीम का ऐलान करती कि वो SCO कॉन्फ्रेंस तक कोई तरमीम नहीं लाएंगे और उसके बाद बैठेंगे, बात करेंगे और रात के अंधेरे में आईन के ऊपर शब खून नहीं मारेंगे, तो हालात नॉर्मल हो जाते। लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं कि एक जो वजीर दाखला है उनको तो हर मसले का हल एक SHO नजर आता है, चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो तो उसको वो कहते हैं ये एक SHO की मार है, चाहे वो इलेक्शंस हो तो वो भी एक SHO की मार है, और आईन है तो वो भी एक SHO की मार है। तो जाहिर है इसके ऊपर तो हर जी शऊर शख्स को, और उसका ताल्लुक PTI से ना भी हो, एहतजाज के लिए निकलना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारा आईन बचे, क्योंकि आईन बचेगा तो फिर मेरा और रियासत का रिश्ता रहेगा। फेयर इनाफ, आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के एहतजाज से वो आईनी तरमीम रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी, और इसके अलावा अगर कोई और तरीका है तो वो भी बता दें, क्योंकि इसके अलावा तो कोई किसी और तरीके के ऊपर तो हुकूमत जो है वो नहीं तैयार, क्योंकि उनका ये एक हकीकत है हमारी सियासत की कि हर कोई अपने टाइम में अपनी मर्जी के चीफ लाना चाहता है। अब इस दफ़ा तो बारी चीफ जस्टिस की हो रही है, बट व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशमेंट तो PTI के दौर में भी एक्सटेंशन दी गई। ये हमारा पोलिटिकल कल्चर का हिस्सा नहीं बन गया? 99 ऑनवर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ पे तो कुछ इस किस्म का मामला नहीं रहा, क्योंकि पहले असद अली केस में और उससे पहले जहाज ट्रस्ट केस में और फिर उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम के जरिए ये चीज़ तय हो गई थी कि सीनियर मोस्ट शख्स जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। ये जो मामला है ये तो एक तवील अरसे के बाद, यानी तकरीबन आप समझिए कि 25-26 साल के बाद इस हुकूमत को यह ख्याल आया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे को ख़त्म कर दिया जाए। ये हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाए और अदालतों को एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तरह ट्रीट जो है वो किया जाना चाहिए। तो इसकी वजह से ये मामलात जो है वो ख़राब हुए हैं और पहली बार 1999 के बाद पहली बार इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि अदलिया को बिल्कुल ही अपना मती बनाया जाए, और यही सारा झगड़ा। ओके, अच्छा, आपके ख्याल में अगर आईनी कोर्ट बन जाती है और जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं वो उसके सरबराह मुकर्रर हो जाते हैं, उसके बाद का सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आईनी तरमीम अभी है, वो ये कह रही है कि आप चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस मिलकर बाकी जज लगा देंगे। तो ये तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता ना, ये तो बिल्कुल ही आपने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के मती कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि हर जो जज है, हाई कोर्ट का जो जज है, उसको सोर्स रिपोर्ट के ऊपर आप डिसमिस कर सकेंगे हर साल और उसको आप ट्रांसफर कर सकेंगे। यहाँ तो SHO आप सूबे के बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते।
तो ये तो अजीबो गरीब कानून है जिसके बाद आर्टिकल 199 की जो अमेंडमेंट्स है उसके बाद वकीलों की प्रैक्टिस ही खत्म हो जाएगी वैसे। तो ये तो बिल्कुल ही इन्होंने एक बगैर तो फिर सोचे वकला समझे। उस तरीके से सामने क्यों नहीं आ रहे हैं इस मामले में, जिस तरह एक वक्त में आए थे, तहरीक चलाई थी, वकला भी डिवाइडेड नज़र आते हैं, लगता है उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली हैं और उनके लिए एक कॉज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही जितना अपना अपना पॉलिटिकल कैरियर और अपनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रह गई है। लेकिन आप तो कह रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ही खत्म हो जाएगी। नहीं, वकला आ जाएंगे सामने, बस आप 2-1 हफ्ता दें अभी, क्योंकि ये जो अभी मूवमेंट है जो डी चौक में जो हुई है पीटीआई की, कल से बहुत एक मैं समझता हूँ इफेक्टिव एहतजाज है। और मंडे को यहाँ पे लॉयर्स कन्वेंशन है इस्लामाबाद में, और मंडे ऑनवर्ड फिर आप देखेंगी कि आप ये कल्मिनेट होगी लॉयर्स मूवमेंट, और वकला जो है वो पूरे पाकिस्तान से इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि जजेस और वकला जो है वो इस एहतजाज में शामिल ना हो। ये तो ऐसी है कि जैसे टीवी बंद कर दें तो आप सब लोग क्या करेंगे, जाहिर है सड़क पे आएंगे। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, 63A की शक्ल में ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो जो स्ट्रैटेजी बनानी थी वो बना चुके हैं और वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि हम ये आईनी तरमीम हर हाल में पास करेंगे। अगर वो कला निकल आते हैं उस वक्त भी इसी तरह फौज डिप्लॉय हो जाती है, चीज़ें कंट्रोल कर ली जाती हैं और आईनी तरमीम पास हो जाती हैं, उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाएगी पीटीआई के पास? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चीफ जस्टिस साहब हर उस बेंच की खुद सरबराही करते हैं रहे हैं और कर रहे हैं जिससे नंबर गेम में हुकूमत को फायदा होता है, और ये तरमीम लाने के लिए और उनकी डेस्परेशन जो है वो जाहिर होती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर तरमीम आ भी गई तो इसकी हैसियत को पीसीओ की से ज्यादा नहीं होगी, और इसको जज और लॉयर्स जो है वो कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि जो आईन है ना जी, उसका जो बुनियादी एक फिलॉसफी है वो इत्तफाक है। इत्तफाक के राय होता है तो आईन एक्सेप्ट होता है, इत्तफाक के राय नहीं होता तो आईन एक्सेप्ट नहीं होता। तो आई बिलीव कि ये जो इस वक्त मामला है उसके नतीजे में जो सूरत हाल है उसमें ये पीसीओ से ज्यादा इसकी अहमियत नहीं होगी, और एक मुसलसल और मूवमेंट को हुकूमत दावत देगी, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अपने पीछे, वकला और जजेस को अब अपने पीछे लगाएंगे। पहले उन्होंने 2 साल इतनी बड़ी एक अवामी कुव्वत जो तहरीक इंसाफ से लड़ने की कोशिश की है उससे कामयाब नहीं हो पा रहे, अब ये इसको अगर अपने पीछे लगाएंगे तो ये भी एक बहुत मुनज्जम ताकत है और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। इज़ इट सेफ टू से एज एन ऑब्जर्वेशन कि आप ये जो कह रहे हैं कि वकला भी इसे बाय नहीं करेंगे, जजेस भी इसे बाय नहीं करेंगे, तो जजेस आर इन कॉन्टैक्ट विद द वकला कम्युनिटी कि हाँ जी हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए, और मोबिलाइजेशन में जजेस भी इन्वॉल्व हैं? देखिए, इसके लिए राबते होने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए कॉमन सेंस होने की जरूरत है। और कोई जो जज है, अब मुझे बताइए ना कि कैसी कोर्ट में जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी वक्त भी जज को सूबा बदल कर सके या डिसमिस कर सके, कौन ऑनरेबल आदमी जो है वो जज बनेगा। सो इसलिए ये जो कंसर्न है ये तो एक कॉमन सेंस है कि हर जज जो है वो इसके खिलाफ खड़ा होगा, हर वकील इसके खिलाफ खड़ा होगा। ठीक है, जिन्होंने चंद लोग होते हैं जिन्होंने खाली नौकरी करनी होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनका नौकरी तो मसला नहीं है, दे आर जजेज फॉर सम आइडियाज, और उनको जाहिर है कि वो खड़ा होना है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, एंड लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर।